हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चार बिल्कुल आसान से तरीके, जिसमें कि आप बिना सिलाई मशीन के भी अपने सिंपल से ब्लाउज को डिज़ाइनर ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हाफ मीटर सॉफ्ट वाला नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने नेट के फैब्रिक को यहाँ पर 3 पीस कट कर लिए हैं। जो हमारा जो सबसे बड़ा पीस है वो है 14 इंच बाई 14 का, और जो दूसरा पीस है वो है 11 बाई 11 का, और जो तीसरा सबसे छोटा पीस है वो है 8 बाई 8। तो यहाँ पे अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें ये इस तरीके से मार्क करते हुए इसे हमें सर्कल में कट करना है। तो इस तरीके से तीनों पे मैंने मार्क कर लिए हैं, अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक दूसरे के ऊपर इसे इस तरीके से फोल्डिंग वाले साइड में तीनों को सेट करना है, और तीनों के बीच में मैंने इस तरीके से 1.5 इंच का गैप रखा हुआ है। तो ऊपर वाले में हम 2 इंच का सिलाई का मार्जिन रखते हुए 2 इंच का गैप रखेंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से अपने स्लीव को भी 4 फोल्ड में करके यहाँ पर मार्क करते हुए इसे कट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरीके से सेट करेंगे तीनों को एक साथ। उसके बाद इसे हम अपने स्लीव के साथ में अटैच करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से स्लीव में ऊपर की साइड में अटैच करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें अभी एक और फ्रिल अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम टॉप में हैंड स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे पहले। तो ऊपर जब एक और फ्रिल हम लगाएंगे तो इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आएगा, और इसे आप जब चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों स्लीव में अटैच कर लेंगे रफल। उसके बाद हम अपनी नेक की डिटेलिंग करेंगे, बैक नेक की। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से नेक के फैब्रिक की 2 पीस को कट किया हुआ है, और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको अपने नेक की जो विड्थ है, जो लेंथ है, उससे 2 इंच बढ़ा के लेनी है। उसके बाद में आप जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है उसे लेना है, क्योंकि जो डीप नेक होते हैं उसमें हमारा शोल्डर कम होता है। तो जब हम ये नेक पे फैब्रिक लगाएंगे उससे पहले हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो यहाँ पे 14 इंच पे शोल्डर को फैलाते हुए हम यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद में हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा नेक इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और जो मार्किंग है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद में जो ऊपर फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। उसके बाद में इसे पलट लेंगे। ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, लेकिन आपके ब्लाउज का जो लुक है बिल्कुल चेंज हो जाएगा इससे। और इसके बाद इसे इस तरीके से सेट करते हुए अंदर की तरफ फैब्रिक को डालेंगे। उसके बाद इसे सेट करते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली है। इसके बाद में जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। पीछे बैक में आप इस तरीके से कुछ पैच लगा सकते हैं, या फिर कुछ बीड्स लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। प्लेन भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा, लेकिन आप इस पे बीड्स लगाएंगे तो इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आएगा।
तो अभी हमें एक इस तरीके से पट्टी कट की हुई है और इसकी लंबाई आपको 1 से 1.5 मीटर लेनी है और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे 4 इंच लिया है मैंने, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम किनारे में स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने किनारे में पूरे में पट्टी में स्टिच लगा ली है। उसके बाद हम इसे इस पिन की हेल्प से इस तरीके से सीधा कर लेंगे और जो स्टिच वाला पार्ट है उसे अंदर बीच में इस तरीके से करेंगे और वहाँ पे इस तरीके से सुई से स्टिच लगाते हुए इसमें गैदर्स डालेंगे। तो पूरे पट्टी में हमने इस तरीके से गैदर्स डाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे शोल्डर से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ट्विस्ट करते हुए इसे स्टिच करना है, जो गैदर्स को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हम इस पर लगाते जाएंगे तो इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है हाफ नेक पे, और दूसरी साइड में हम इस तरीके से एक गोटा अटैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने गोटे को अटैच कर लिया है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमारा जो गैदर्स वाला लेस बचा हुआ है उसे इस तरीके से नीचे की साइड में स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो स्लीव है उसके ऊपर हमने जो गैदर्स नेक पे लगाए हैं वही हम यहाँ पे स्लीव पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पूरे गोलाई में हम इसे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। जिस तरीके से हमने नेक पे ट्विस्ट करते हुए स्टिच किया था सेम उसी तरीके से यहाँ भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव में ये गैदर्स वाली लेस अटैच कर ली है और बैक में भी मैंने बीट्स लगा लिए हैं और ये है उसका फाइनल लुक। तो देखा आपने बहुत ही आसानी के साथ हमने कैसे इस तरीके से ब्लाउज को नया लुक दिया हुआ है, और इस तरीके से आप नए ब्लाउज में भी लुक दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।